Hi everyone, welcome to this video. Before we get started for the weekly homework, I want to just go through the quick article which I've written on Shiksha.com, which was in 2019. This was a real analysis of CAT 2019 paper of slot 1 and slot 2. Today I want you to focus on the slot 1 and slot 2 analysis, but the major focus which I'm going to talk about is arithmetic. Yaar, arithmetic aisa topic hai jahan pe aapko 11 se 13 question CAT ke andar aane hi aane hain, to is question ko log na negate kar dete hain, is pe overtime bhi spend kar dete hain. Overtime matlab bahut sare students mujhe batate hain ki sir hum time speed distance pad rahe hain, ek hafta ho gaya hum time speed distance solve kar pa rahe hain. Bhai, itna time nahi hai hamare paas. I recommend everyone to block your 7 days of life aur is topic ko khatam karo. मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इस टॉपिक को क्रैक करना है. और सच्ची बताऊं, यहीं पे क्वांट शुरू होता है और यहीं पे क्वांट खत्म होता है. क्योंकि देखो यार, 13 क्वेश्चन यहां पे है और जिस बच्चे का अरिथमेटिक इतना रॉक सॉलिड हो जाता है कि वो यहां से 10 क्वेश्चन यहाँ से बना लेता है, बाकी ज्योमेट्री में उसने एक भी सवाल ठीक किया और अल्जेब्रा में एक भी किया, मॉडर्न मैथ्स में एक भी किया, तो 14-15 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, विच इज इक्वल टू 92% इन कैट, विच इज अ लॉट मार्क्स, राइट. तो अरिथमेटिक भी आप ध्यान दीजिएगा, पर अगेन इस टॉपिक को करते करते लुट मत जाना. बाई डेफिनेशन ऑफ लुट मत जाना, देखो अभी 11 क्वेश्चन है, चल 10 मान के चलते हैं, 100 में से 10 क्वेश्चन है ये 10%, राइट. तो इट शुड ओनली गवर्न 10% ऑफ योर टाइम वैल यू प्रिपेयरिंग, राइट. इट शुड नॉट बी गवर्निंग राइट 40% ऑफ टाइम और 50% ऑफ टाइम. और बच्चे इस टॉपिक के ऊपर टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सड एलिगेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं. तो टू स्टार्ट विद, आप क्या करेंगे, अगले 7 डेज का मेरे को कमिटमेंट देंगे कि सर आपके कहने पे हम 7 दिन अरिथमेटिक को देंगे, 3 घंटे रोज, टोटल 21 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन. क्योंकि एक एवरेज बच्चा कैट के लिए 200-250 घंटे ही कंसिस्टेंटली पढ़ता है. अगर हम 200 घंटे की प्रिपरेशन की बात करें, 200 घंटे में से 21 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 10% के ऊपर हो गया. तो देखो ऐसा टाइम डिवाइड करिए ताकि आपका प्रिपरेशन ना ओवर हो ना कम हो. इन टाइम में जितना हो गया इस करते LOD 3 तक, LOD 4 तक, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, तो ज्यादा दूर तक मत जाना, समझा. तो ये हम वीक हम अरिथमेटिक फॉलो करेंगे. एवरीबडी इज फॉलोइंग मी ऑन YouTube. सेकेंडली, यहाँ पे 40 डेज चैलेंज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. 40 डेज चैलेंज जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, वेलकम. और सेकंड 40 डेज चैलेंज जो वीक 1 है, वो 27 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर 6 तक चलेगा ये. फर्स्ट वाले जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं लास्ट वीक से, उनका B1 नाम रहेगा, B1 कैट किंग 40 डेज चैलेंज B1, वो रहेंगे अगस्त 30 तक. अगस्त 30 के बाद क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद. बट मोर इंपॉर्टेंटली, हर हफ्ते आप लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे प्रॉफिट एंड लॉस. तुम्हें अगर कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक नहीं आता है, तुम्हें बेसिक फॉर्मूले वगैरह में प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन टेक दिस चैलेंज. 1 घंटा 10 से लेकर 11 तक एक IIM फैकल्टी के साथ, या एक SPGN बॉम्बे के फैकल्टी के साथ, या नारसी मुंजी के टॉपर के साथ आप पढ़ेंगे. अमेजिंग पढ़ाएंगे. और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताओ हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार, ये जिन्होंने एक हफ्ता खत्म करी है, मजा आ रहा है आप लोगों को, आप मोटिवेटेड हो रहे हो कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, वो होने के बाद 1 घंटा तुम पढ़ाई करोगे, उसके बाद 2 घंटे बैठ के घर को, प्रेफरेबली जैसे 10 से लेकर 11 बजे तक तुमने पढ़ाई करी, उसके बाद यार 11 से लेकर 11:30 तक थोड़ा चिल मारो, रिफ्रेश हो जाओ, बिकॉज 1 घंटा काफी सारे सवाल सॉल्व करते हैं. उसके बाद 11:30 तुम लोग मेरे YouTube लाइव बैठते हो, तो 12 बजे तक तुम लोग, 10 से लेकर 12 यहाँ पे बजे, उसके अंदर 1 घंटा पढ़ाई हुई और आधा घंटा तुम लोगों ने YouTube लाइव अटेंड किया. उसके बाद 12 बजे रात को किताब लेके बैठ जा, 12 से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई कर ले. तो रात को 10 से लेकर 2 बजे तक भाई तुम प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ोगे. जितना समझ आया, जो तुम्हें 10-12 सवाल हमारे टॉपर फैकल्टी ने पढ़ाए, वो बहुत ही बढ़िया है. उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पे आ जा, फिर टाइम एंड वर्क पे आ जा, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आ जा, और भाई पैराजंबल, ये दोनों येल्लो वालों को अभी इग्नोर करो, मैं आता हूँ इसके बारे में. और टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 भी करना है आपको. तो मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पे होल्ड करने के लिए बताई. पहली बात तो वर्बल क्या है, हम थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में भी. और वीकेंड में बैठ के एडवांस शॉर्टकट कर ले. क्या 2019-2018 के क्वेश्चन आपके डैशबोर्ड पर, जिनके पास कैट किंग एक्सेस है, पड़े हुए हैं, नहीं तो हर जगह पे यार हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं. 2019-2018 के रियल क्वेश्चंस करके देख ले, तुझे कितना समझ आया तूने एक हफ्ता पढ़ने में. अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो दिस टॉपिक मे नीड मोर डिवोशन. तो हम अरिथमेटिक मॉड्यूल 2 भी दोबारा बैठ सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं. ये हमारा 40 डे चैलेंज. इस हफ्ते आप लोग ध्यान देंगे अरिथमेटिक मॉड्यूल पे. मैं कैट तक 40 डेज के चैलेंज लॉन्च करता रहूंगा. ऑलरेडी 450 स्टूडेंट्स हैव टेकन अ प्लेज दैट दे आर गोना गेट मी अ कॉल ऑफ IIM. तो भाई तुम मेरे मॉड्यूल फॉलो करो तो ऐसे ही फॉलो करो. और अगर तुम क्या चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे नंबर, ओ शिट, तो मेरा नंबर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, चल एनी विच वेज मेरा नंबर यहाँ गया आज यूट्यूब पे, कोई टेंशन नहीं है. बट मैंने शिट असिस्टेंट का नंबर देना था. आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा, अगर मैं नहीं रिप्लाई किया तो इसको इग्नोर करिएगा, और मेरे ईमेल पे रिप्लाई कर सकते हैं. मोर इंपॉर्टेंटली, इसके साथ आपको सपोर्ट के लिए
100 प्लस अर्थमेटिक के वीडियोस चलेंगे डैशबोर्ड पे, आपके पास अरुण शर्मा रहेगी, उसके हाई जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व रहेंगे डैशबोर्ड पे, और कैट दा 2018-19-17 इसके 250-300 क्वेश्चन, इनफैक्ट 16 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन भी डैशबोर्ड पे रहेंगे अर्थमेटिक के। तो भाई इसी फोकस में जाना, इसी स्पीड में जाना, एक हफ्ता लगाएंगे अर्थमेटिक, जितना समझ आए उतना कर पाएंगे। ये जो 10-11 क्वेश्चन आने वाले हैं कैट के अंदर, उस पर अपन एकदम ग्रिप बनाएंगे। आई रिपीट, बैठ ही मत जाना, प्रॉफिट एंड लॉस डजंट डिजर्व मोर देन वन डे ऑफ अ टाइम, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड डजंट डिजर्व मोर देन वन डे ऑफ टाइम। आई रिपीट, एक बार खत्म करो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो 40 डेज चैलेंज में हम एक एक टॉपिक करके ऐसे ऐसे आपको करवाते रहेंगे। सर इसके बाद क्या होता है, मैं आज सिर्फ अर्थमेटिक की बात करने आऊँ, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपके लिए और आते रहेंगे, जिसके अंदर विल कीप टॉकिंग अबाउट द इंटायर शेड्यूल के आर 40 डेज चैलेंज में आगे जाके क्या करना है, समझा। तो फोकस ऑन अर्थमेटिक, पिक दिस टॉपिक और इसको एकदम निचोड़ के कर लो। मैंने आपको बताया था वर्बल के बारे में बात करूंगा, तो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई, वेंसडे और फ्राइडे अपना स्केड्यूल रखो, वर्बल पे लगाना ही लगाना है भाई। 34 क्वेश्चन यहाँ पे आने वर्बल एबिलिटी के, तो इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो वही हो गया ना, यू नो, बाकी सब्जेक्ट के लिए इतना स्ट्रैटेजी और वर्बल के लिए कुछ नहीं। तो मैं जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैं हर वेंसडे फ्राइडे एक घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराता हूँ। पहले 15 मिनट तो हम हेलो हाई करते हैं, 45 मिनट्स तक क्लास रहता है, और 45 मिनट्स डेढ़ घंटा अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिया, जो रूल्स बताए जाएंगे और फॉलो कर लिया, तो यू गॉन्ट बी गुड। वो उसको मास्टर क्लासेस बोलते हैं। तो 40 डेज चैलेंज में आपको 12 क्लासेस, मास्टर क्लासेस भी मिलती है वर्बल के। वर्बल पे भी ध्यान देना इस हफ्ते, और टॉपिक अगर आपको वर्बल के पढ़ने हैं तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और पैराजम्बल करेंगे। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, इस सब के साथ 1 RC 1 DI 1 LR एवरी डे करते रहिए। 1 RC 1 DI LR पर दिमाग में होना चाहिए कि सर मैंने अभी शुरू किया है तो मैं अर्थमेटिक पे ही ज़्यादा ध्यान दूंगा। ऑलराइट गाइस, और बहुत सारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं यूट्यूब लाइव पे, आप लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। इफ यू गाइस लाइक दिस प्लान, डू ड्रॉप इन अ कमेंट। और मैं पहली बार आपको वीकली शेड्यूल ऐसे करके रिकॉर्ड फॉर्मेट में दे रहा हूँ, इफ यू गाइस लाइक इट मेरे को बताइए, मैं आपके पास हर हफ्ते एक शेड्यूल दे सकता हूँ, ताकि कैट किंग स्टूडेंट्स का भी भला हो और नॉन कैट किंग स्टूडेंट्स का भी भला होता जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंजॉय द क्लास एंड वेलकम टू द 40 डेज चैलेंज। बस फाड़ दीजिए, ऑल द बेस्ट गाइस।